अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो फ्रेंड्स? मैं डॉक्टर अली। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही कमाल की मेडिसिन के मतलब के इल्म लाया हूँ, और बहुत ही आला किस्म की मेडिसिन है फ्रेंड्स। ये ऐसी मेडिसिन है कि बहुत आला और मफीद रिज़ल्ट है। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि ये मेडिसिन कैसे और किस तरह काम करती है और किस किस बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस टॉपिक पर डॉक्टर साहब वीडियो बनाएँ ताकि पता चल सके कि ये बीमारी और इसी बीमारी का हल भी मौजूद है। अक्सर दोस्तों को ये पता ही नहीं कि इस बीमारी का हल भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, असल मकसद यही है कि आम दोस्तों तक मेडिसिन के मतलब के इलम पहुँचाया जाए कि ये मेडिसिन कैसे और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। बाकी कोई भी मेडिसिन है, आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आम आदमी तक ये मेडिसिन पहुँच जाए। लेकिन फ्रेंड, मैं जिस मेडिसिन के मतलब ये वीडियो बनाने लगा हूँ, अक्सर लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि इस तरह की वीडियो को और यूट्यूब पर अपलोड ना किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि इससे बुराई जन्म लेती है। फ्रेंड्स, मैं इसको नहीं समझता कि इस तरह बुराई जन्म लेती है। बुराई इस तरह जन्म लेती है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है भी बुरा भी होता है। अब इंसान पर डिपेंड करता है वो अच्छाई की तरफ चला जाए या बुराई की तरफ चला जाए। तो फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक मोबाइल है, आप चाहे तो उसे अच्छाई की तरफ इस्तेमाल कर लें चाहे बुराई की तरफ इस्तेमाल कर लें। अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरफ इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर बुराई की तरफ मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है तो मोबाइल गलत है। मोबाइल की कोई गलती नहीं, वो इंसान की गलती है। हम और आप गलत हो सकते हैं, मोबाइल गलत नहीं, क्योंकि मोबाइल तो एक बेजान चीज़ है। आप जिस तरफ चाहें उसे इस्तेमाल करेंगे उसी तरफ ही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह साबित हुआ कि इंसान गलत हो सकता है, चीज़ें गलत नहीं होती। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो इसे अच्छी तरफ इस्तेमाल करता है या बुरी तरफ इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड, जिस मेडिसिन के मतलब मैं आज आपको बताने लगा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आजकल बना हुआ। तो फ्रेंड्स, आए आपको बताते हैं कि ये मेडिसिन को कैसे और किस तरह इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, ये गोली आती है फीमेल वैगरा। ये फीमेल वैगरा ऐसे ही है जैसे मर्दों के लिए वैगरा और औरतों के लिए फीमेल वैगरा। तो फ्रेंड, ये उन औरतों में इस्तेमाल की जाती है जिनमें सेक्स के हारमोनियम कम होते हैं, यानी कि सेक्स करने के जरासीम कम होते हैं। जब वो शादीशुदा हो जाती हैं तो वो बाद में सेक्स करना ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो उनके लिए बनाई गई है। क्योंकि जब वो इस तरह नहीं करती तो वो बाद जब बीवी अपने शौहर के साथ इस तरह सेक्स करना नहीं पसंद करती तो शौहर के दिल में अक्सर नफरत पड़ जाती है कि शायद वो मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए शायद मुझसे सेक्स करना पसंद नहीं करती। असल में ये होता नहीं है, क्योंकि ये मसला हारमोनियम की कमी की वजह से, सेक्स के जरासीम कम होने की वजह से ये मसला जन्म लेता है, जिसकी वजह से ये मसला बनना शुरू हो जाता है। तो उनके साथ ये मसला बनना स्टार्ट होता है तो फिर उसके दिलों में इस तरह नफरत पड़नी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, उसके लिए मैंने आपको हल बताता हूँ कि आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आपने फीमेल वैगरा गोली ले लेनी है, और जब आपने सेक्स करना स्टार्ट करना है तो उससे एक घंटे पहले ये गोली आपने इस्तेमाल करवा देनी है अपनी बीवी को। इंशाल्लाह बफजले खुदा वो जिस तरह एक आम औरत सेक्स करती है इसी तरह वो सेक्स करेगी, और आप अज़्वाजी ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले सकेंगे और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। लेकिन फ्रेंड, एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ जो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो बाकी असल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आम आदमी तक ही मेडिसिन के मतलब इलम पहुँचे। बाकी आपने कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक यूज़ करें, होम्योपैथिक यूज़ करें, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि इस बीमारी का ये हल मौजूद है, बाकी आप पे डिपेंड है कि आप अपने डॉक्टर के मुताबिक भी कोई भी मेडिसिन हो आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल ही करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं कितनी अच्छी तरह बताता हूँ कि मेडिसिन को कैसे और किस तरह इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल क्या है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते हूँ। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।